कमाल कमाल का दिन रहा आज पाकिस्तान और इंडिया के नाम। भाई पाकिस्तान ए ने भी अपना मैच जीत लिया है, इंडिया ए ने भी अपना मैच जीत लिया है। पहले पाकिस्तान 61 रन से अपना मुकाबला जीता और भारत हमें फंसता हुआ नजर आ रहा था, लेकिन फाइनली जो है वो भारत भी अपना मुकाबला जीतने में कामयाब हो चुका है। और एक और हमें बहुत बड़ा सुपर संडे देखने को मिलेगा कल का दिन निकाल कर। 23 जुलाई को एक होने वाला है बहुत बड़ा धुआं का इमर्जिंग एशिया कप का फाइनल। भाई आज पाकिस्तान की ए टीम ने अगर देखा जाए तो 323 रन का पहाड़ जैसा अदब दिया है। भारतीय टीम को अब देख कर आना होगा फाइनल मुकाबले में। आज उमैर बिन यूसुफ ने बड़ी तगड़ी बल्लेबाजी की है और उनके साथ अगर बात की जाए तो भाई मोहम्मद हारिस ने भी कमाल की बल्लेबाजी की है और अपना जादू चलाया है। और अगर हम मोहम्मद हारिस की कैप्टेंसी की बात करें तो भाई मोहम्मद हारिस ने आज कैप्टेंसी भी कमाल की है और बैट बल्लेबाजी भी कमाल की है। और आज शाहनवाज धानी को उन्होंने भाई ड्रॉप किया और उसकी जगह पे इरशाद इकबाल को इन किया। आज इरशाद इकबाल ने भाई दिखा दिया अपना जादू और बड़ी अच्छी गेंदबाजी की है। उन्होंने शॉर्ट पिच गेंदे करते रहे हैं और श्रीलंकन बल्लेबाजों को जो है वो फंसाने में कामयाब रहे हैं। और दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो भारतीय टीम 212 रन के हदव के त्वाक में 50 रन से जो है वो जीत चुकी है। हालांकि बांग्लादेश की जो है वो ए टीम उनके अंदर भी एक दो सीनियर्स एक खिलाड़ी थे, लेकिन फिर भी जो है वो इतना लो टारगेट नहीं हासिल कर पाई। 50 रन की उनको ओपनिंग शराकत दाजी जरूर मिली थी लेकिन उसका फायदा नहीं उठा पाई। और अगर पाकिस्तान की टीम 23 जुलाई को टॉस जीती है तो मेरी ये बात याद रखना, पाकिस्तान पहले अपने गेंदबाजों को जमाएगी, ठीक है। भारत को जल्द से जल्द आउट करने की कोशिश करेंगी। और अभी श्रीलंका की भी अगर बात की जाए तो भाई उनके भी अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल प्लेयर्स थे उनके, उनकी टीम में भी 3 से 4 प्लेयर्स थे और बड़ा मुकाबला किया पाकिस्तान का उन्होंने आज। भाई 234 रन तक तो ऐसे लग नहीं रहा था कि भाई कौन सी टीम मुकाबला जीतेगी, श्रीलंका जीतेगी या पाकिस्तान जीतेगी, लेकिन जैसे ही उनकी 6-7 विकेटें आउट हुई है, नंबर 7 उनके आउट होकर गए हैं, तो तब तो फिर भाई काम ही खत्म हो गया था और 60 रन से पाकिस्तान ने बड़े मुकाबले को जीता है। दूसरी तरफ भाई विराट कोहली ने अपने 2900 मुकम्मल कर लिए हैं टेस्ट क्रिकेट में। भाई विराट कोहली ने भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट जो है वो अगर देखा जाए तो हासिल की है। और अभी भी जो भारतीय टीम हैवी नजर आ रही है वेस्ट इंडीज के ऊपर, मुझे लग रहा है कि वेस्ट इंडीज फिर जो है एक इनिंग से मैच हारने वाली है, क्योंकि भारतीय टीम को दूसरी इनिंग खेलनी ही नहीं पड़ेगी जिस तरह की आजकल वेस्ट इंडीज की टीम है। और अगर इंग्लैंड और ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो भाई ऑस्ट्रेलिया भी थोड़ा सा हमें जो है वो डगमगाता हुआ नजर आ रहा है और बहुत बढ़िया लीड है इंग्लैंड की भी, तो भाई होना भी चाहिए, 2-2 से इनकी सीरीज बराबर होनी चाहिए ताकि फाइनल मुकाबला जो है वो हमें देखने को मिले। बहरहाल हमें तो रहेगा इंतजार 23 जुलाई का। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने जरूर बताना है कि फाइनल मुकाबला कौन सी टीम जीतने वाली है, चाहे आप इंडिया से है चाहे आप पाकिस्तान से है, आपनी अपनी राय का इजहार आप लोगों ने जरूर करना है। और एशिया कप का जो शेड्यूल है वो भी मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया था कि भाई पाकिस्तान को पाकिस्तान में 2 मैचेस मिल चुके हैं जो वो कह रहे थे उनकी जो है वो ख्वाहिश को पूरा किया गया है। और अब देखते हैं कि भाई पाकिस्तान एशिया कप में किस तरह से अपना जादू चलाएगा। इमर्जिंग एशिया कप के फाइनल तो भाई इंडिया पाकिस्तान का हो ही चुका है और हम जो है वो एक बार फिर उम्मीद यही रखेंगे कि पाकिस्तान और इंडिया का जो बड़ा एशिया कप है उसमें भी भाई इन दोनों का ही फाइनल हमें देखने को मिले ताकि मजा तो आए ना। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की वीडियो, अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को एक दफा जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट वीडियो में जल्दी आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप लोगों ने हमें देनी है इजाजत और अपना रखना है बहुत सारा ख्याल। बाय बाय।